श्री राधेन्द्र जी, आजकल बच्चे जैसे पढ़े लिखे बच्चे माँ बाप से भाग रहे हैं दूर। हमें ये जानना है कि बच्चों को क्यों माँ बाप के साथ रहना चाहिए और बच्चों को माँ बाप के साथ रहने से क्या फायदा होता है। मैं ये आपने जो प्रश्न किया है, ये प्रश्न ऑलमोस्ट आज 90% सभी घरों का है। आज जब बच्चे जवान हो रहे होते हैं तो उनको फ्रीडम चाहिए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बच्चा इकलौता बेटा था माँ बाप का, तो माँ बाप बहुत डिसिप्लिन में रहते थे कि भाई ये करो, ये लाइट ऑफ करो, ये नलके से पानी नहीं बहना चाहिए, इतने बजे उठ जाना चाहिए, इतने बजे ये करना चाहिए। तो बच्चा रोज एजुकेशन के लिए स्कूल जाता, फिर वो ग्रेजुएट भी हुआ, कॉलेज भी जाने लगा, फिर वो नौकरी की तलाश में रहने लगा। वो नौकरी इस चक्कर में करता था कि अगर मुझे नौकरी मिल जाए तो जल्दी से जल्दी मुझे माँ बाप से छुटकारा मिले। ये मुझे सोने नहीं देते हैं, ये मुझे ये करवाते हैं, ये मुझसे ये करवाते हैं, मैं परेशान हूँ, मुझे कहीं दूसरे शहर में नौकरी मिल जाएगी, मैं अकेला सेटल हो जाऊँगा। संयोग बस वो समय भी आया कि जब उस बच्चे को एक कॉल आया कि भाई तुम्हारा इंटरव्यू है, तुम आओ। तो वो जिस जगह पर गया वहाँ पर उसने देखा कि एक कमरा है, उस रूम में कोई कुछ नहीं है, वहाँ कोई है ही नहीं इंटरव्यू लेने वाला, और वहाँ पर सिर्फ एक फैन चल रहा है धीरे धीरे, और एक जिसमें वाटर रखा जाता है, पानी उसका धीरे धीरे गिर रहा था उसमें से। तो उसने देखा कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, मैं इंटरव्यू किसको दूंगा। तो अचानक से वहाँ एक पेज, उसको पेज मिला, उस पर लिखा था कि इंटरव्यू ऊपर हो रहा है। तो वो ऊपर जाने लगा तो उसने सोचा कि पानी गिर रहा है, तो उसने वो नलका बंद किया। उसने सोचा मैं जा रहा हूँ, इस रूम में कोई है ही नहीं, ये फैन चल रहा है, पंखा चल रहा है। तो उसने पंखे को भी स्विच ऑफ किया और इंटरव्यू देने के लिए ऊपर गया। तो उसने एंटर करते ही इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि भाई कब से ज्वाइन कर रहे हो। बोले सर आपने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। बोले मुझे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं, मैंने तुम्हारा सेंस देखा है, फिर काम करने का अंदाज देखा, तुम्हें किसी की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसके बावजूद भी तुम वो नलका बंद करके आए, इसके बाद भी तुम फैन बंद करके आए। इसका मतलब है न तो तुम अपना और न तुम अपने मालिक का नुकसान होते हुए नहीं देख सकते, इसका मतलब है कि तुम में तुम्हारे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार बहुत है। तो माँ बाप हमें जीवन में छोटी छोटी ऐसी चीज सिखा देते हैं जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। छोटा वृक्ष बड़े वृक्ष की छाया में हमेशा सुरक्षित रहता है, लेकिन जब बड़ा वृक्ष हट जाता है और छोटा वृक्ष जब अकेला रहता है तो आंधी ब्यार छोड़िए हल्की सी तेज हवा चल जाए तो उसी में ध्वस्त हो जाता है। इसलिए माँ बाप के साथ रहना, इट मीन्स आप सुरक्षित हो।